चाचा लोगों ने इतना तोड़ दिया। तुम्हारी ताई जी ना बल बिंकर स्टाइल में बल हिंदी बोलती है। वाली पता कैसे कटे? हेलो। ये देखो सूप बना दिया। और ये देखो सूट वाली में पसंद। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव से, चा गांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम रात को गए थे डोली देखने, यहाँ भी गए थे जहाँ निखिल लोगों के रैली पट रखी, बट उसके बाद हम ऊपर चले गए थे। तो रात को क्या हो रहा है, रात को सिर्फ माँ भगवती की डोली नाच रही है, नागरजा की नहीं नाच रही है। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन काली रात्रा होती है ना, जैसे कल काली रात्रा है, जिस दिन हरियाली कटती है ना, उसके एक दिन पहले जो रात होती है ना, उसको काली रात्रा बोला जाता है। तो उसमें दोनों डोली नाचेगी, माँ भगवती की भी और नागराज की भी, और फिर अगले दिन भी जिस दिन हरियाली कटेगी। परसों हरियाली कट रही है, 17 तारीख को हरियाली कट रही है। तो 18 को है संडे, और संडे को हम सोच रहे हैं, अनु बोल रहा था कि नाइटी लग रखा है मेला, तो हम सोच रहे हैं कि संडे को वहां जाएं। और पिछले वाले ब्लॉग में मैंने ये भी बोला था, जो मेरे पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि राहुल कौन है, जो आर्मी वाला है, तो बंटी भाई का बड़ा भाई है राहुल। वो उसने मेरे को मैसेज किया था कि मैं कल घर आ रहा हूँ। तो किसी ने मेरे को बताया था, आशी ने मेरे को बताया था कि राहुल आ रहा है। तो मैंने मैसेज किया कि कब आ रहा है, तो उसने बोला कि कल आ रहा हूँ। तो शाम को इस फ्रेम में राहुल भी तुम्हें दिखेगा। तो फिलहाल पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, आज ज्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगा बिकॉज डोली देखने फिर रात को जाना है, तो वहां भी दिखाना है। तो मन करता है कि पूरा दिखाऊं भाई, काफी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं कि डोली कब देखें हम ना। पहले से काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे और मेरे को पर्सनली डीएम भी आ रखे थे इंस्टाग्राम पे कि डोली भी दिखाना। तो ज्यादा ब्लॉगिंग में करते हुए फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ड्यूटी चलते हैं और फिर शाम को आपको डोली दिखाते हैं। तब तक राहुल भी आ जाएगा, राहुल भी इस फ्रेम में दिखेगा आपको। और सब्जी बनाई है, बड़ी की सब्जी है। तो मैंने सोचा पराठे बन रहे, और मैंने पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि मम्मी ने रोट बनाए थे कल संपट को लगा ना, तो मैंने सोचा कि मैंने सोचा पराठे बन रहे, और मैं आया अंदर, मम्मी बोल रही कि तेल बच रखा है कल का, इसमें रोटी बना रही मम्मी, उसकी वजह से खुशबू आ रही है। और कल रात को हमने ऊपर ही खाना खाया था, तो मम्मी ने फटाफट से ये सब्जी बना ली। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर में, और शाम के बज रहे हैं 6। तो आजकल मैं जल्दी निकल जाता हूं, मैंने दिन में राहुल को कॉल भी की थी, राहुल भी पहुंच चुका है घर पे, तो घूमने चलते हैं, राहुल से मिलते हैं। और मैं बता दूं, मेरी एज के 3 बंदे इधर ऐसे हैं जो आर्मी में हैं, एक तो मैंने निखिल बताया, एक रविंदर भी बताया मैंने, जो कुछ महीने पहले घर आ रखा था, जो पहले से मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा, और एक राहुल है, राहुल तो 1 साल बड़ा है मेरे से, बट निखिल और रविंदर जो है हम तीनों क्लासमेट थे। तो वो सारे वो तैयारी करते थे भाई आर्मी में जाने की, बट मेरा इंटरेस्ट ना आर्मी में था ना होटल में था, मेरा इंटरेस्ट पहले से ही कंप्यूटर में था, और कंप्यूटर से बहुत लगाव था मुझे, और मैंने सोच रखा था कि बाद में जो भी जॉब करूंगा कंप्यूटर से रिलेटिव करूंगा, ना फौज में जाऊंगा ना होटल में जाऊंगा, तो वही हुआ भाई। तो फिलहाल कुछ कमेंट है जो बाद में जिनका रिप्लाई दूंगा, फिलहाल पहले चेंज करते हैं और राहुल से मिलाते हैं आपको, कौन है राहुल, जो नए सब्सक्राइबर होंगे उनको पता नहीं होगा, तो फटाफट चेंज करते हैं और फिर चलते हैं। तो गाइस ये देखो घर में बने आज कड़ी, और मैं इस टाइम कड़ी खा रहा हूँ, मम्मी नीचे जा रही थी, मैंने कहा चाय बनाने आ जाओ ऊपर फटाफट से, तब घूमने चलता हूँ मैंने कहा। तो मैंने राहुल को कॉल की, राहुल घर पे है, बोल रहा कि मैं अभी घूम के आया नीचे, मैंने कहा जल्दी ऊपर आ नहीं तो मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, मैंने कहा, तो बोल रहा फटाफट बस आ रहा हूँ, मैं फोन चार्ज पे लगाता हूँ उसके बाद आता हूँ। तो
आज कड़ी बनी थी और ऊपर खाना खाने के लिए बोल रखे हैं, तो हमने सबने ऊपर जाने खाना खा, हाँ ऊपर खाना खाने जाने, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा चावल खा लूँ और कड़ी खा लूँ। परसों कड़ी जो खाई थी ना वो सूख रखी थी भाई, वो चावल के साथ रखी थी मम्मी ने और वो सूख गई थी, तो इस वजह से मैंने कहा अभी खा लेते हैं थोड़े, उसके बाद घूमने चलते। तो कड़ी भी खा लिए और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आज लोगों का जो माना मकान था ना वो टूट रहा है आज, और नए मकान बनना स्टार्ट हो रही है। देखो आज चाचा लोगों ने इतना तोड़ दिया, कुछ दिन बाद ये पूरा टूट जाएगा और नई चिनाई स्टार्ट हो जाएगी नीचे से। और ये देखो भाई कितना सामान फेंक रखा इधर, अगर बारिश हुई तो पूरा भीग जाएगा। और मैं ना घूमने जा रहा था, तब तक राहुल यहीं आ रखा निकल हो गया, तो बोल रहा हूँ मैं मिल ले भी रख कड़ी, तो फटाफट चलते वहाँ पे आ रखा। ये देखो भाई चाल चाल बढ़िया भाई, भाभी को पहली बार देखा तुमने, पैसे पैसे दिए, पैसे दिए भाभी को, भाभी चाय बनाई कि नहीं बनाई? अच्छा चाय पीते भाई फिर चलते हैं। और राहुल ना एक ऐसा बंदा है जो डेली ब्लॉग देखता है, एक भी ब्लॉग मिस नहीं करता भाई। हाँ भाभी भी देखती है भाई, भाभी भी डेल देखती है यार, भाभी ताई जी को दिखा दिया भाई। और एक कमेंट आ रखा था कि ना तुम्हारी ताई जी ना बल भिंकर स्टाइल में बल हिंदी बोलती है, एक कमेंट आ रखा था भाई। जैसे तुम ब्लॉग बनाते हो ना उसमें ये बेइज्जती वाला एड भी आ रहा था रिंकी के फोन पे, देखे गढ़वाली पता कैसे करते, हेलो एड आ रहा था बीच में, तो चाय भाई मैंने चाय पी, पर मैं ठंडी चाय पी यार, और मैं सोच रहा हूँ मैं दोबारा चाय पी भाई, मैंने जैकेट पहन रखी थी, मैंने ऑफिस की जैकेट पहन रखी थी ठीक है, और आजकल आजकल धुल नहीं रही मम्मी, धुल ही नहीं रही भाई आजकल मेरे कपड़े, और वो जैकेट ऐसी है कि सच्ची भाभी मैं कल कसम से मैं ला दूंगा इतने सारे कपड़े मेरे धुलने के लिए, एक जैकेट धुल लेना यार मेरी प्लीज, कल धुलना है ठीक है, ना ना भाभी हाँ बोल रही भाई बस फिर भाभी जी मेरा तो भाई यहाँ पे आया था, और मैं सुबह बोल रहा था कि काली रात्रि है, मैंने कल के लिए बोल रहा था मैं कल है काली रात्रि, तो ताई जी लोग बोल रहे कि आज ही है, तो गाइस हम आए थे घूमने और एक कमेंट आ रखा है, मैं कमेंट इसी टाइम पढ़ता हूँ जिस टाइम घूमने आते हैं, तो राहुल मैं अन्नु आसी और आसी आ रखे घूमने, और एक कमेंट आया था कि अन्नू ने दिखा ब्लॉग में तबीयत ठीक है अन्नू की, तो मैं बता दूं कल मैं ब्लॉग बना रहा था बट ये भाग रहा था बिकॉज इसने लड़के वाली जींस पहन रखी भाई तो इसीलिए ब्लॉग में नहीं आ रहा था भाई, ठीक है भाई है। और कल से इनके पेपर है बट क्या लिखेगा भाई ये पेपर में सोच, तो मुझे पढ़ रखी है जब ये पढ़ता नहीं है राहुल, जब दस नहीं पढ़िया राहुल कल से इनके पेपर है भाई स्टार्ट, और फिर एक हफ्ते बाद राहुल इनका त्योहार है भाई, छुट्टियां पड़ रही है। देखो भाई अनु आगे से दिखाना भाई, ये देखो भाई सुटवाजी में इसीलिए ब्लॉग में नहीं आ रहा था भाई ये तो ताइज दे रही है भाई, देखो राहुल के आने की मिठाई, तो मेरे को रज्जू कॉल पे कॉल किया जा रहा है, और आधे रास्ते चले गया था, और ताइज बोल रही कि रुक जा कि मिठाई लेके जा, तो ये देखो भाई रज्जू यहाँ बैठ रखा, आरती बन गया, तो भाई आज मैं भी आरती बन गया और सीधा हमने जाना ऊपर डोली देखने, तो ये देखो भाई रज्जू बना रहा है सूप, ये वाला भाई बंदा दरवाजे खोलने के लिए बोल रहा है भाई, ये देखो सूप बना दिया इसने, सूप पीते भाई फिर ऊपर चलते हैं, आज ना आरती में गए, और मैं बोल रहा था दोनों डोली नाचेगी, यही कल बोला था अन्नू ने ठीक है, मेरे को तो पता नहीं था इसके बारे में, बट अन्नू को अभी कॉल की मैंने कि जब मना लगेगा मन का तो मेरे को कॉल कर लेना, तो बोल रहा कि आज एक ही डोली नाचेगी, अष्टमी के दिन दोनों डोलियां नाचेगी जिस दिन हरियाली कटेगी। तो भाई घर से राहुल लोगों के यहाँ आया था ऊपर डोली में जाने के लिए, कल दीदी थी बट दीदी नहीं है, मैं बताना भूल गया था, दीदी सुबह चली गई थी ऋषिकेश, उसका कुछ काम था, तो शायद कल आएगी, आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, तो रज्जू अभी घर में था, मैंने कहा मैं राहुल को लेके आता हूँ ऊपर डोली में जाने के लिए, कोई साथ में होना चाहिए, तो अब देखते कौन जाएगा डोली में, अभी अनु कॉल नहीं आई, मैंने उसको कॉल की थी तो वो बोल रहा था अभी पूजा चल रही है, आज मैंने बताया था काली रात्रि है, तो थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे, यहाँ मंडान लग चुका है, यहाँ दिखाते हैं आपको और उसके बाद ऊपर चलते हैं।
भाई हम अभी डांस कर रहे थे, तब तक अनु कॉल आ गई कि यहाँ भी मंडान लग चुका है और हम जा रहे हैं। सपना जा रही है और ताई जी, बंटी भाई, मम्मी, आशी की मम्मी और मनोज भाई की मम्मी और सपना के पापा सब जा रहे भाई, हम इतने ही है। और अभी नीचे मंडान है, ढंग से लगा नहीं, अभी किसी भी देवता नहीं आया, तब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भी मंडान लग चुका है। सपना आ रखी यहाँ पे चाय बनाने। तो काली रात्रि मैंने बताया था, आज है काली रात्रि, तो बीच में एक पूजा होती है, उसके बाद फिर डोली नाचती है। तो अभी चाय बन रही है, ये देखो सपना ने गिलास भी रख दिया और केतली पे चाय बन रही है, सबको चाय बांटते हैं, उसके बाद डोली दिखाते हैं। Thank you.
फाइनली रात के बज रहे हैं 12 और आज भयंकर मजा आ गया भाई। तो कल के लिए जो भाई डोली नचाते ना, तो उनके लिए बोला हमने कि हमारे पास भी देना डोली नचाने के लिए। तो भाई ने बोला कि कल दूंगा मैं, तो कल देखते क्या सीन होता है। फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग के एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।